Hello everyone, I'm Dr. Mohan Banker, Interventional Device from Bankers Boston Hospital. And today we are going to discuss one live case about the prosthetic artery operation. So for many years, transurethral prosthetic resection, that is called TURP, is a standard treatment for the prosthetic problem. And what happened into the prosthetic problem? Prosthesis is situated just below the bladder, so that's why it creates the obstruction by passing the urine. And most of the time, patient complain of frequency of urine, nocturia, रात को उनको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है. एंड जब वो पेशाब करते हैं तब भी उनकी जो यूरिनरी स्ट्रीम होती है वो कंटिन्यूस नहीं रहती है, अटक अटक के आती है. एंड दिस बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जो रुकावट है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है. और किसकी वजह से? प्रोस्टेट की. तो अभी तक क्या करते थे कि प्रोस्टेट को यूरेथ्रा में जाके वो थोड़ा काट के निकाल देते थे. उसको इसकी जो ऑपरेशन है उसको TURP कहते हैं. उसके डिसएडवांटेज काफी सारे हैं. एंड ये नई टेक्निक है, इसको प्रोस्टेटिक आर्टरी ऑपरेशन. सो प्रोस्टेट को काट के निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी साइज वैसे भी सेम की जाए. तो कैसे करते हैं साइज से? सो वी जस्ट इंजेक्ट सम हेमोरेजिक पार्टिकल. तो अगर प्रोस्टेट का जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई उसका कम कर दिया जाए, कुछ आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या होगा कि उसका जो 100 सीसी का वॉल्यूम है कि मानो कि अप्रोक्सीमेटली प्रोस्टेट के 100 सेल्स है, तो उसमें से 30, 40 या 50 सेल्स वो जो उसका ब्लड सप्लाई अगर रुक जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि वो जो सेल्स हो वो उसकी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. और वंस ही डिस्ट्रॉय तो प्रोस्टेट की साइज ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी. और यही मेन कंसेप्ट है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलिशन का, कि प्रोस्टेट का जो ब्लड सप्लाई है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं. एंड बाय रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई द प्रोस्टेट साइज ऑफ द प्रोस्टेट इज रिड्यूस. एंड वंस द साइज ऑफ द प्रोस्टेट इज रिड्यूस देन ऑटोमेटिकली ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ब्लैडर से, ब्लैडर के नीचे जो प्रोस्टेट का जो स्थान है उसकी वजह से ब्लैडर के आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट करता है वो प्रोस्टेट की साइज कम होने की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो जाता है. और वंस द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव देन ऑटोमेटिकली पेशेंट के सिम्टम काफी इंप्रूव हो जाते हैं. सिम्टम्स में क्या इंप्रूवमेंट होगा? तो पेशेंट्स को जो बार बार यूरिन पास करने जाना हो वो कम हो चला जाएगा, रात को बार बार पेशाब करने के लिए खड़े होना वो चला जाएगा. सो एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन. एंड दिस प्रोसेस को प्रोस्टेटिक आर्टरी ऑपरेशन, जिसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं प्रोस्टेट की और एक छोटी सी नीडल पंचे से करते हैं, जैसे ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाते हैं वैसे ही नीडल पंचे से पूरी एंजियोग्राफी होती है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू शो यू वन लाइव केस ऑफ द प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलिशन. सो प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलिशन में हम एंजियोग्राफी करते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम सिलेक्टिव छोटे से माइक कैथेटर से हमने एंजियोग्राफी की. और एंजियोग्राफी में ये जो आर्टरी है छोटी सी ये प्रोस्टेट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, प्रोस्टेटिक आर्टरी है. सो उसको हम सिलेक्टिव कैनुलेशन करते हैं. एक ये रोड मैप की एक रोड मैप लेते हैं. रोड मैप से ये छोटा सा वायर ये नीचे जा रहा है, प्रोस्टेटिक आर्टरी को हम पहले कैनुलेट करते हैं. एंड वंस वी कैनुलेट इट छोटे से माइक्रो कैथेटर से उसको उसके अंदर जाके हम एंजियोग्राफी करते हैं. अभी एंजियोग्राफी में हमने क्या देखा कि एक तो जो है वो प्रोस्टेट के अंदर ये ब्लड सप्लाई जा रहा है, पर उसके साथ में ये जो सेकंड आर्टरी है वो दूसरे ऑर्गन को यहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है. सो हमको सिर्फ प्रोस्टेट का ब्लड सप्लाई रोकना है, दूसरे ऑर्गन के ब्लड सप्लाई से को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है. सो हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट है उसके डिस्टर्ब जाएंगे अंदर जाके. सो वही हमने किया कि ये सेम प्रोस्टेटिक आर्टरी में हम अंदर गए. नाउ ये जो आर्टरी है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट सप्लाई ओनली प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट को ही सप्लाई कर रही है. सो वंस वी कंफर्म इट प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है उसको ही सप्लाई कर रही है, वी इंजेक्ट मोर एम्बोलाइजिंग पार्टिकल. एंड हाउ इट लुक्स इट कि ये जो छोटे से स्मॉल माइक्रो कैथेटर की वजह से जो हम ये यहाँ पे एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट कर रहे हैं, इट गोज डायरेक्टली इनटू द प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेटिक आर्टरी का ब्लड सप्लाई इसकी वजह से धीरे धीरे कम होता जाएगा. और जैसे ही कम होगा तो उसकी साइज रिडक्शन शुरू हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस केस. और उसके बाद जब हमने एंजियोग्राफी करके चेक किया
तो पहले से आप देख रहे हैं, पहले पूरा का पूरा ये पोस्टीरियर कार्टरी ब्लस हमको दिख रहा था, पोस्ट एम्बुलेशन पोस्टीरियर कार्टरी ब्लस नहीं दिख रहा है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि पोस्टीरियर कार्टरी का ब्लस अगर नहीं दिखना है तो देयर इज अ एंड पॉइंट, उसके बाद ज्यादा इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन वी कम आउट एंड वी विल वेट फॉर इट विद इन अ फ्यू डेज इट विल शो द रिजल्ट्स। और मैंने आपको बोला कि ये जो ट्रीटमेंट है पोस्टीरियर कार्टरी एम्बुलेशन, इसमें कोई भी डाका कट वगैरह नहीं आता है, सो पेशेंट कैन गो बैक टू हिज होम इन विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ विद इन सेम डे एंड पेशेंट कैन स्टार्ट हिज डे टू डे वर्क फ्रॉम द सेम डे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉक एंड होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पोस्टीरियर कार्टरी एम्बुलेशन। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, डू आस्क अस क्वेश्चन, वी विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच।